इंडिया न्यूज के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2019 आ चुका है, नए साल के साथ नई उमंगें, नई अभिलाषाएं, नई तरंगे और नई बातें लोगों के मन की अभिलाषाएं भी अब उछाल ले रही हैं। आखिर में नया साल कैसा होगा, ये सबके मन में है, लेकिन नया साल कैसा होगा इसके पहले हम ये भी जांच लेते हैं कि गया साल हमारे लिए कैसा रहा। हमारे साथ हैं आज एक देश के वीर रस के मूर्धन्य कवि, जो मंचों पर अपने वीर रस से शोले बरसाते हैं, जयपुर के उमेश उत्साही। वो बताएंगे हमें कि पुराना साल कैसा रहा और नए साल की क्या है अभिलाषाएं। उमेश जी बहुत बहुत नमस्कार, नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमेश जी, नया साल है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नए साल की क्या आपके पास क्या शुभकामनाएं हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। उमेश जी, नववर्ष पर मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके सर्वांगीण उत्कर्ष, समृद्धि, उल्लास, श्री, यश, बल और कीर्ति के अभिसार की मंगल कामना करता हूं। और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि किया कठिन तप वर्ष भर अग्रिम उज्जवल पाने को, किया कठिन तप वर्ष भर अग्रिम उज्जवल पाने को, नया वर्ष नया दिन आया है उज्जवल भविष्य बनाने को, प्रसन्नता की लहर उमड़ कर चक्षुओं में छाएगी और आपकी मुखरित हंसी पर दुनिया पुष्प बरसाएगी, आपकी मुखरित हंसी पर दुनिया पुष्प बरसाएगी। और दो दोहे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष कोई ना कोई आपदा देश में घटित होती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं ईश्वर से क्या कामना है मेरी कि ना भूकंप ना त्रासदी, ना भूकंप ना त्रासदी, चहूं और हो हर्ष, और ईश्वर अब की बार तो अच्छा दे नववर्ष, ईश्वर अब की बार तो अच्छा दे नववर्ष, ऐसी तो शुभकामनाएं। अच्छा अच्छा नववर्ष। लेकिन उमेश जी, बीता साल गया, बीते साल का एक प्रकार से असेसमेंट का भी समय है, बीते साल हमने क्या पाया क्या खोया, इसके असेसमेंट का समय है। क्या लगता है कि बीते साल ऐसी तमाम घटनाएं हमारे साथ घटी, हालांकि देश ने बहुत तरक्की भी की, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनसे बहुत दिलों को में घाव दिए, क्या लगता है आपको आपकी कविता से आप बताएं। प्रताप राव जी, पिछले वर्ष जो घटनाएं घटी उनमें कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि उन पर कुछ अवश्य कहना चाहिए। जैसे कश्मीरी अलगाववादियों पर जो सेना पर जो भटके हुए नौजवान हैं जो पत्थर फेंकते हैं, वो कितनी बड़ी घटनाएं हैं जो देश पूरे देश को आंदोलित करती है पत्थरबाजी की। मेरा निवेदन है अगर आप आदेश करें तो मैं एक कविता कश्मीरी पत्थरबाजों को लेकर के, कश्मीर की सारी समस्या को लेकर के, समस्या से समाधान तक की एक कविता मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। कि शूल नहीं त्रिशूल लगाए हैं फूलों की वादी में, कांटों वाले बाग लगाए हैं फूलों की वादी में, पाकिस्तानी सांप सपोले खूब पले हैं वादी में, यत्र तत्र सर्वत्र तिरंगे खूब जले हैं वादी में, नित्य नमाजों में अलगावी भाषण झाड़े जाते हैं, लाल चौक से लोकतंत्र के पांव उखाड़े जाते हैं, ये घाटी में तालिबानी राज चलाना चाहते हैं, ये घाटी में तालिबानी राज चलाना चाहते हैं, पूरे सूबे को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नहीं किसी ने हुर्रियत का हृदय बदलते देखा है, बालू मिट्टी के मर्दन से तेल निकलते देखा है, बालू मिट्टी के मर्दन से तेल निकलते देखा है, हमने पत्थर हृदयों में भी जोत जला कर देखी है, हमने पत्थर हृदयों में भी जोत जला कर देखी है, कॉमन एजेंडे पर भी सरकार चला कर देखी है, श्रीनगर की सरकारें ही खुद हमले करवाती है। कड़वा सच जी, चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने, चाहे महबूबा की सरकार बने, होता यही है। तब मैं कहना चाहता हूं कि हमने पत्थर हृदयों में भी जोत जला कर देखी है, श्रीनगर की सरकारें ही खुद हमले करवाती है, सीज फायर में फायर करवा कर सैनिक मरवाती है, सीज फायर में फायर करवा कर सैनिक मरवाती है, महबूबा क्यों देख रही थी कितना संयम मोदी में, देशद्रोही सब आकर बैठे महबूबा की गोदी में, मजबूरी के गठबंधन को आखिर कब तक ढोना था, बीजेपी
का महबूबा से ये तलाक तो होना था, बीजेपी का महबूब। कारण बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद अलगाववाद में अधिक देर चूहे बिल्ली का खेल नहीं हो सकता है, अधिक देर चूहे बिल्ली का। और महत्वपूर्ण पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, सोज गिलानी अब्दुल्ला को दिल्ली अपना ना देखें, सोज गिलानी अब्दुल्ला को दिल्ली अपना ना देखें, मन से हिंदुस्तानी हो ये झूठा सपना ना देखें, देशद्रोही ये राष्ट्रगीत की धुन पर झूम नहीं सकते। ये आजाद भी नहीं होना चाहते हैं जी, ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी। हाँ, कारण गिनाना चाहता हूँ, पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि सोज गिलानी अब्दुल्ला को दिल्ली अपना ना देखें, मन से हिंदुस्तानी हो ये झूठा सपना ना देखें, देशद्रोही ये राष्ट्रगीत की धुन पर झूम नहीं सकते, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया घूम नहीं सकते, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया घूम नहीं सकते, ये दलाल कश्मीरी गुंडे मन से पाकिस्तानी है, सुविधा और सुरक्षा हेतु होते हिंदुस्तानी है, इधर उधर की दावत खाकर करे कबूतरबाजी है, इधर उधर की दावत खाकर करे कबूतरबाजी है, इनके ही गुर्गे सेना पर करते पत्थरबाजी है, इनके ही गुर्गे सेना पर करते पत्थरबाजी है, पहले से ही धारा 370 देकर बैठे हैं। पूरा देश क्या चाहता है, क्या मांग करता है, मेरी पंक्ति में मैं बाहर अपने मन का गुबार बाहर लाना चाहता हूं कि पहले से ही धारा 370 देकर बैठे हैं, फिर भी ये अपने हाथों में पत्थर लेकर बैठे हैं, फिर भी ये अपने हाथों में पत्थर लेकर बैठे हैं, और अधिक क्यों गद्दारों पर हम पैसा बर्बाद करें, और अधिक क्यों गद्दारों पर हम पैसा बर्बाद करें, आजादी चाहने वालों को जीवन से आजाद करें, आजादी चाहने वालों को जीवन से आजाद। और कितनी आजादी चाहिए इनको, लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, सबसे ज्वलंत प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्यों ऐसी मांग कर रहा हूं मैं कि ऐसी आजादी चाहने वालों को क्यों आजाद करने की बात करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी चाहने वालों को जीवन से आजाद करें, बहुत पाप हैं इनके सर पर भीषण नरसंहारों के, ये कातिल हैं लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों के, माँ बहनों के स्तन काटे तब नहीं किसी को पाप दिखा, नाजुक अंगों जंगाओं पर भारत मुर्दाबाद लिखा, कहाँ गए मानवाधिकारी डिंग हांगते फिरते हैं, 5 लाख कश्मीरी पंडित न्याय मांगते फिरते हैं, पुनर्वास कब होगा इनका सेना के संरक्षण में, इनका जीवन बीत रहा है धरना और प्रदर्शन में, इनका जीवन बीत रहा है धरना और प्रदर्शन में। लेकिन साहब, कविता केवल समस्या का प्रस्तुतिकरण कर देना कविता नहीं, समाधान भी, समाधान भी होना चाहिए। तो कवि का मन क्या समाधान खोजता है कश्मीर समस्या का, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्र तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आजादी चाहने वालों को जीवन से आजाद करें, कि बहु कि कुछ हिस्सा आतंक प्रभावित नहीं कश्मीर समूचा है जी, कुछ हिस्सा आतंक प्रभावित नहीं कश्मीर समूचा है, बाकी कश्मीरी लोगों का खूब मनोबल ऊंचा है, बातचीत से कुछ नहीं होगा सैनिक समाधान करो, बातचीत से कुछ नहीं होगा सैनिक समाधान करो, जो हिस्सा आतंक प्रभावित वो सेना को दान करो, वो जो हिस्सा आतंक प्रभावित वो सेना को दान करो, और वहीं बसा दो विस्थापित भी, वहीं बसा दो विस्थापित भी, नहीं उद्भ्रांत रहेंगे वे, आबादी संतुलन होगा तो ही शांत रहेंगे वे, नींदों में पदचाप सुनेंगे जब सैनिक के बूटों की, नींदों में पदचाप सुनेंगे जब सैनिक के बूटों की, अकल ठिकाने लग जाएगी आतंकी रंग रूटों की, अकल ठिकाने लग जाएगी आतंकी रंग रूटों की, घाटी के बेघर लोगों की फिर बस्ती आबाद करो, आजादी चाहने वालों को जीवन से आजाद करो। और आखिरी पंक्ति कहना चाहता हूं कि एक देश में दो विधान का डंडा नहीं चलेगा, एक देश में दो विधान का डंडा नहीं चलेगा,
छोड़ तिरंगा वहां दूसरा झंडा नहीं चलेगा। उमेश जी आपने ये बता दिया पत्थरबाजी की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व में 4.5 सरकार चल रही है, आखिर में कश्मीर की ये घटनाएं होती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, तो नरेंद्र मोदी को आप कैसे आंकते हैं इस 2018 में? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक बार दोबारा नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं देश के वीर रस के कवि उमेश उत्साही, जो बता रहे हैं देश में चर्चा हो रही थी इनसे ब्रेक में जाने से पहले कि आखिर में 2018 नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहा, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या अभिलाषाएं थी, क्या वो पूरी कर पाए। उमेश जी, नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरी कभी मन की निष्पक्षता तो अपनी जगह है, पर मेरा मन जो कहता है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ। सुनाइए। 4-6 पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। उमेश जी आप कह रहे हैं आजाद, लेकिन लोग आज भी पीड़ित हैं नोटबंदी और GST लागू होने के बाद, लोग आज भी मसल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो ठीक है, आतंकवाद सब कम हुआ है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है या कम हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बहुत ही कमजोर कर दिया है, लोग परेशान हैं, आपका क्या कहना है? सर जी, मेरा जैसा जहां तक विश्लेषण है कि नोटबंदी से आम आदमी को अधिक नुकसान नहीं हुआ है, नोटबंदी से सिर्फ उसका नुकसान हुआ है जिस समय जिसकी कोई शादी थी या कोई ऐसा फंक्शन था उसके लिए उसको चाहिए थे, तो कुछ वो उसके अलावा बाकी और कुछ है, लिखा भी है पर अभी स्मृति में है, थोड़ा मैं याद करके सुनाता हूँ आपको। अभी मुझे एक अर्थतंत्र पर एक बहुत अच्छी कविता मुझे याद आ रही है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, भूमिका में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, कुछ लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने पैदा होते ही मेरे हाथ में भैंस की पूंछ पकड़ा दी और कहा, बोले बेटे खेत की मेर पर जाओ, उर्रे उड़ाओ, भैंस चराओ, भैंस की काली चमड़ी पर सफेद चौक से कक्का बारकड़ी लिख करके न जाने मेरी प्राथमिक शिक्षा कब पूरी हो गई, मुझे आज तक पता नहीं चला, मैं उस परिस्थिति से निकला हुआ व्यक्ति हूं, तो देश के अर्थतंत्र के विषय में मैं क्या सोचता हूं, मैं एक कविता निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि कोने कोने में विदेशी कंपनियां छा रही, बाजारों में इनके उत्पादों की बाढ़ आ रही, पूंजीवादी शक्तियां ही देश को चला रही, घूसखोरी में बादाम गधों को खिला रही, घूसखोरी में बादाम गधों को खिला रही, आ चुका है भारत भी पूंजीवादी प्रभाव में, देश का बजट बनता है अमरीकी दबाव में, अर्थव्यवस्था हमारी अस्त व्यस्त हो गई, जनता भूख मरी बेकारी से त्रस्त हो गई, कृषि के उत्पादन में गिरावट जो बनी रही, डॉलर के आगे यदि रुपया दुवन्नी रही, बापू तेरे यूं अधूरे सपनों को पूरा किया, राज का रुपया राज भक्तों ने हड़प लिया, राज का रुपया राज भक्तों ने हड़प लिया, 56 भोग केवल राज भक्तों को नसीब है। आप बाजार में जाइए रंगीन टीवी खरीदने के लिए तो उसके साथ में आपको कोई एक फ्रिज मुफ्त में देगा, एक जींस की पैंट खरीदी उसके साथ में आपको एक टी शर्ट मुफ्त में मिल जाएगी, लेकिन 1 किलो चावल खरीद करके देखिए आपको उसके साथ में आपको कोई एक आलू फ्री में नहीं देगा, ये है समस्या आम आदमी की। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कहना कि कृषि के उत्पादन में गिरावट जो बनी रही, डॉलर के आगे यदि रुपया दुवन्नी रही, बापू तेरे यूं अधूरे सपनों को पूरा किया, राज का रुपया राज भक्तों ने हड़प लिया, 56 भोग केवल राज भक्तों को नसीब है, मुट्ठी भर अनाज को तरस गए गरीब हैं, भूखे बच्चे चूहों के बिलों को खोदने चले, आदिवासी लोग सांप बिच्छू खा करके पले, शायद इसलिए ही देश में अकाल पड़ गया, सरकारी गोदामों का टनो अनाज सड़ गया, देश की व्यवस्था में विकार पैदा कर दिए,
राजनीति ने रंगे सियार पैदा कर दिए, राजनीति ने रंगे सियार पैदा कर दिए, अनाचारी शोषण के बीज बो रहे यहाँ, असमर्थ कंधे इनका बोझ ढो रहे यहाँ, आंसुओं से पापियों के पैर धो रहे यहाँ, फिर भी कितने ही मासूम भूखे सो रहे यहाँ। याद आ रही है हमको लाल बाल पाल की, पूछती कथा लिखूं कलम किस काल की, पूछती। लेकिन विसंगति कहां से पैदा हुई? 80 लाख लोगों ने 250 सालों में अपने बलिदान दिया, 80 लाख लोग मरे इस देश को आजादी दिलाने में, लेकिन जो स्वराज्य की नींव रखनी थी, जो गांधी का सपना था, हम उससे भटक गए। मैं उस पर पंक्तियां कहना चाहता हूं कि आजादी हमारे लिए सस्ती है या है महंगी, मेरी कविता इस पर विवाद क्यों करने लगी, 45 में बापू को आजादी की आशा जगी, भारत के चित्र पर से धूल हटने लगी, तब आजाद भारत की तस्वीर बापू को दिखी, भारत कैसा हो बापू ने नेहरू को चिट्ठी लिखी और कहा मेरी हिंद स्वराज पुस्तक को पढ़ो, और कहा मेरी हिंद स्वराज पुस्तक को पढ़ो, बाद भारत में आधुनिक लोकतंत्र को गढ़ो। नेहरू जी के पश्चिमी दिमाग ने वही किया, गांधी जी के पत्रों का जवाब भी नहीं दिया, जन सवाल गांधी जी की क्यों अवहेलना हुई, दो जवाब जनता किसी की दबेलना हुई, दो जवाब जनता किसी की दबेलना हुई। अर्थव्यवस्था पे अभी बहुत बेहतरीन कविता है। अगले यानी कि नया साल, इसी साल अब लोकसभा के चुनाव, आम चुनाव होने जा रहे हैं, आपने चुनाव को लेकर भी, मतदान को लेकर भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो जरा दर्शकों को बताएं। प्रताप राव जी, मुझे मतदान पर कुछ पंक्तियां याद आ गई। मैं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी विधानसभा चुनाव गए हैं, मैं इस प्रसंग पर 4-6 पंक्तियां सुना देता हूं कि उदासीन मतदाताओं के कारण ही नेता खेल रहे लोकतंत्र से ही अटखेलियां, कि उदासीन मतदाताओं के कारण ही नेता खेल रहे लोकतंत्र से ही अटखेलियां, अशिक्षा के छाए हुए अंधकार के कारण जनता समझ नहीं पाती है पहेलियां, कि काम चोर आलसी न शेड़ियों में धन बांट, नेताजी निकालते हैं सड़कों पर रैलियां, और साप छवि वाले नेताओं को तो पछाड़ रही, बेईमानों को जिता रही दारू की थैलियां। उमेश जी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के साथ चुनाव के मुद्दों की भी चर्चा हो रही है, वापस चुनाव आ रहे हैं, हर चुनाव में एक मुद्दा बड़ा छाया रहता है, वो है राम मंदिर का मुद्दा। जी हाँ, अब वापस जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा छा रहा है, जी क्या कहना है आपका? क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे ने हर बार हर चुनाव में देश को झकझोरा है, देश की राजनीति को मोड़ा है, देश के चुनाव पर भी बड़ा असर डाला है, क्या कहना है आपका? सर जी, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिन्होंने राम सेतु का मुद्दा उठाया, मेरी दृष्टि में तो शायद वो भी राम सेतु का महत्व नहीं जानते हैं। मैं तो वहीं से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और एक कविता आपको राम मंदिर आंदोलन को समर्पित करता हूं और कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम, कि राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम, राम जी का नाम कर देता सारे काम, कि मेरा देश भावना प्रधान देश है, कि मेरा देश भावना प्रधान देश है, भारत के लिए राम जी विशेष हैं, कि राम नाम भारत में महामंत्र है, राम राज में ही सच्चा लोकतंत्र है, गांधी जी भी राम जी को भजते रहे, कि आजीवन राम नाम जपते रहे, कि राम को नकारे वो नेता नमक हराम, राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम। क्यों है कि लगता नेताओं की बुद्धि भांग खा गई, कि लगता नेताओं की बुद्धि भांग खा गई, राक्षसों की टोली सागर लांग आ गई, खरदूषण तीसरा ये ही राजनेता है, रक्ष संस्कृति के कलयुगी प्रणेता है, कि रक्ष संस्कृति के कलयुगी प्रणेता है, कि दक्षिणपंथी वामपंथी मानेंगे नहीं, दक्षिणपंथी वामपंथी मानेंगे नहीं, लंका के बिना जले ये जानेंगे नहीं, लंका के बिना जले ये जानेंगे नहीं, तो मेरा मतलब रावण वाली लंका नहीं है, मेरा मतलब रावण वाली लंका नहीं है, इन रावणों की लंका भीतर ही है, कि इन रावणों की लंका भीतर ही है, कि मानसिक विकार वाटिका अशोक है, मानसिक विकार वाटिका अशोक है, जन आस्था रूपी सीता से शोक है, जन आस्था रूपी सीता से शोक है,
राम भक्त वानरों से मेरा आह्वान, राम भक्त वानरों से मेरा आह्वान, फिर से प्रकट होवे वीर हनुमान। हनुमान जी का घोष जय श्री राम, के हनुमान जी का घोष जय श्री राम। राम से बड़ा है प्यारे राम, राम जी का नाम, के राम जी का सेतु तोड़ने की बात सुन। जब ये सेतु तोड़ने की बात चली तब मुझे लगा, मैंने एक प्रश्न उठाया, मैंने कहा ये सेतु क्या है, मुझसे सुनिए, मैं बताता हूँ कि राम सेतु का क्या है। कि राम जी का सेतु तोड़ने की बात सुन, कि शिव के गणों ने छेड़ी राम जी की धुन। कि राम जी का नाम एकता का हेतु है, राम जी का नाम एकता का हेतु है, और भारतीय एकता ही राम सेतु है, भारतीय एकता ही राम सेतु है। कि साधु संतों का ये रेला रुकेगा नहीं, कोई भी सरकार हो, मैं स्पष्ट चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि साधु संतों का ये रेला रुकेगा नहीं, हिंदुओं का धर्म ध्वज झुकेगा नहीं। संत चाहते हैं काम शांति से हो, संत चाहते हैं काम शांति से हो, नेता चाहते हैं खूनी क्रांति से हो, तो नेताओं की वाणी को विराम चाहिए, नेताओं की वाणी को विराम चाहिए, राम जी को राम जी का धाम चाहिए।